अक्सर टीनेजर्स मुझसे पूछते हैं कि हम जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस किस तरह से करें। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने पेरेंट्स को किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं। हर चीज़ बोल के नहीं की जाती, कुछ चीज़ें करके दिखानी पड़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका और आप मिलकर इस बड़ी सी समस्या का एक आसान सा सलूशन निकालते हैं और उसके ज़रिए हम दूसरों को और ख़ुद को मोटिवेट कर सके कि हम किस तरह से ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल या फिर बिना अर्थ को कम से कम डैमेज किए हुए हम अपनी लाइफ किस तरह से जी सकते हैं। ज्ञान देना बंद कीजिए। आपको ये सुन के हैरानी हो रही होगी कि मैं एक चीज़ क्यों बोल रही हूँ, पर मैंने ये चीज़ अक्सर महसूस की है। अगर आप कोई चीज़ किसी एक आदमी को एक बार कह दीजिए, अगर उसने सुननी होगी तो वो सुनेगा, अगर उसने करनी होगी तो करेगा। उस चीज़ को बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह से अगर हम एक ही चीज़ अपने पेरेंट्स को बार 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 कहते रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे पेरेंट्स हमें ये अक्सर कहते हैं कि तू ज़िद्दी हो गया है, तू सुनता नहीं है, उसी तरह से वो भी हमारी बात नहीं सुनते अगर वो उनको अच्छी नहीं लगती या अगर वो उसे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना चाहिए? हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमें ये चीज़ों के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे। ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि इसको फॉलो करने के लिए आपकी नीयत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसे इसके लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। आप सोच रहे होंगे कैसे एक मैं सिंगल पर्सन बिना अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के कैसे शुरुआत कर सकता हूँ। सिंपल, नो बाय चैलेंज लीजिए। नो बाय चैलेंज किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। कपड़े ना खरीदना 6 महीने के लिए, लंच बॉक्स अपना घर से लेके जाना और बाहर का अटरम शटरम गंद पिन ना खाना। गंद पिन से मेरा मतलब है ये सारी की सारी पैक्ड आइटम जिसको हम लोग अपनी कैंटीन्स में भर के खाते हैं, उनको अवॉइड करना। अगर आप बाहर का खाना खाने के शौकीन हैं तो इस तरह की एक्सपेंसिव कटलरी ऑर्डर ना करके हम लोग आराम से अपने घर में ही पड़ी हुई कटलरी को यूज़ कर सकते हैं। तो आपके घर में ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल के लिए चाहिए, तो हमें उसके लिए खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप टीनेजर हैं और ज़ीरो वेस्ट की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, नो बाइंग क्लोथ्स। नंबर 2, अपना लंच बॉक्स घर से लेके जाइए। नंबर 3, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूज़ कीजिए। नंबर 4, अपना कुछ ना कुछ घर में एक हैबिट या एक्टिविटी शुरू कीजिए, जिस तरह से कंपोस्ट बनाना या फिर बायो एंजाइम बनाना या फिर अपना टूथपेस्ट या अपनी फेशियल क्रीम या फिर अपना शैम्पू घर पे खुद बनाना और उसको ट्राई करके देखिए। जहाँ पे हम लोग सारा दिन फ़ोन में घुसे रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, उस फ़ोन से थोड़ी सी देर बाहर निकलिए और अपने लिए कुछ चैलेंज सेट कीजिए। इस महीने नो मोर टूथपेस्ट, इस महीने नो मोर कमर्शियल शैम्पूस, इस महीने नो मोर कमर्शियल क्रीम्स। जब आप इस तरह से अपने लिए टारगेट सेट करेंगे और उसको अचीव करेंगे तो आपके पेरेंट्स भी उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि ये जो मेरा बच्चा है वो नेचुरल रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ कर रहा है, अपने घर में ही जो इसके पास चीज़ें हैं उसकी उसको मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज़ कर रहा है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट उनको दिखेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। करके दिखाइए। जब हम चीज़ों को करके दिखाते हैं उसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा होता है जब हम वही चीज़ें बोलते रहते हैं। जब हम चीज़ें करने लगेंगे, हमारे पेरेंट्स उस चीज़ को समझने लगेंगे तो वो भी हमें सपोर्ट करने लगेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें तो पहले उन्हें करके दिखाना पड़ेगा। इससे पिछले पार्ट में मैंने जितनी भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं, आप एक एक करके उन चीज़ों को कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक साथ सभी के ऊपर शुरू हो जाइए, उससे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेंगे और आप अगर अचीव ना कर पाए तो बहुत जल्दी वापस अपने बैक टू स्क्वायर वन में भी आ जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि आप उन चीज़ों को कीजिए और आपके पेरेंट्स उस चीज़ को जब देखेंगे तो वो खुद से मोटिवेट होंगे, वो खुद से आपसे पूछने लगेंगे ये तो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसको करने का फ़ायदा क्या है, इसको करने के तरीके क्या। जब इस तरह के सवाल वो पूछेंगे तब
डेफिनेटली वो भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो करके दिखाइए। ये जितना रूल हमसे छोटे लोगों के लिए है, अगर हम अपने बड़े लोगों को भी वही चीज़ समझाना चाहते हैं, उनके ऊपर भी सेम रूल है कि हमारी जो बेसिक नेचर है, एक ह्यूमन की जो बेसिक नेचर है, वो सेम है। जब कोई बोलता है तो हम उसको नहीं सुनते हैं, पर जब कोई करके दिखाता है तो हम उसे बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं, और वो अगर हमें अच्छा लगता है कि हाँ इसका आउटपुट अच्छा है, तो हम भी उसको ज्वाइन करते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप इस वीडियो को देख के मोटिवेट हुए होंगे। एज अ टीनेजर जिनको हमेशा यही लगता था कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास फ्रीडम नहीं है, आपको हर चीज़ की फ्रीडम है। अगर आप लंच बॉक्स अपना घर से लेके जाते हैं तो आपकी माँ सबसे ज़्यादा खुश होने वाली है। अगर आप नो बाय चैलेंज अपने लिए सेट करना चाहते हैं तो इसमें आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा खुश होने वाले हैं। अगर आप अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ करना चाहते हैं, नेचुरल चीज़ों की तरफ स्विच करना चाहेंगे, तो उसके ऊपर मैक्सिमम आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। तो दिल खोल के इस लाइफस्टाइल को अपनाइए। आज जिन चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, उन चीज़ों से शुरुआत करिए। धीरे धीरे वो उन चीज़ों पे भी आपको सुनने लगेंगे जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो मैं मिलूँगी आपको किसी अगली वीडियो में इसी तरह की आपकी मेरी कुछ कॉमन पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके उसका मिलकर सॉल्यूशन निकालेंगे। धन्यवाद। जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये जैकेट कितने साल पुरानी है? सही गेस करने वाले को मैं अपनी फिर से 5 वीडियो सबसे पहले उसी से शेयर करूँगी, और इस बार जो सबसे पहले इसको गेस करेगा उसी को ही शेयर करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए।